आज तक आपने फिल्मों में विलेन की पिटाई जरूर देखी होगी, मगर आज हम आपको सचमुच के विलेन वाली पिटाई दिखाते हैं। ताजा मामला यूपी के संभल का है, जहां तहसील परिसर में नामांकन को लेकर दो पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष में जमकर लाते और घूसे चले। इतना ही नहीं, दबंगों ने एक पार्टी पक्ष के कपड़े तक फाड़ दिए। तहसील परिसर में लगभग एक घंटे चले इस युद्ध में कई लोग घायल हो गए। मामला बिगड़ते देख आरोपी मौका देखकर वहां से भाग गए। सूचना के काफी देर बाद एसडीएम घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की जानकारी ली। फिलहाल दोनों पक्षों ने पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर देने की बात कही है। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र के तहसील परिसर में नामांकन को लेकर सपा और निर्दलीय पार्टी के समर्थक और प्रत्याशी पति आपस में भिड़ गए। मामला नामांकन का था, तहसील परिसर में नामांकन चल रहा था। आरोप है कि निर्दलीय पार्टी से सभासद प्रत्याशी के समर्थक सपा पार्टी के सभासद पार्टी के समर्थकों के साथ आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टियों के समर्थकों में जमकर लाते घूसे चले। लगभग एक घंटे के इस विवाद में आरोपी पक्ष मौका देखकर घटनास्थल से फरार हो गए। घटना के काफी देर बाद पहुंचे एसडीएम ने मामले की जानकारी ली। घटनास्थल पर पीड़ित सपा प्रत्याशी पक्ष ने पूरी आपबीती एसडीएम को बताई। पीड़ित का कहना है कि दूसरा पक्ष दबंग है और वो पीड़ित पक्ष को डरा धमका कर अपना पर्चा वापस लेने को कह रहा था। बार बार पर्चा वापस लेने का दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और फिल्मी अंदाज में जमकर लाते और घूसे चले। जब इस मामले में दोनों पार्टियों से बात की गई तो दोनों ने एक दूसरे पर पर्चा वापस लेने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया और मारपीट की बात कही। फिलहाल दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर देने की बात कही है। क्या नाम आपका? रियाजुल हसन। किस पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी। किस पद पर? जिला सचिव। आज तहसील में झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर हुआ है? वो मुझ पे ये दबाव बना रहे हैं कि अपना पर्चा वापस ले लो। कौन बना रहे? इरफान रेहाना के पति। वो किस पार्टी से? वो निर्दलीय है, बसपा को बिलोंग करते हैं। फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं पर्चा वापस कर लूँ, तो तुम जानते ना हमने सिरों के छुरी उछेड़ दी है। तुम जानते ना हमने खुर्शीदा की टांगे तोड़ दी थी जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी। पिछली बार तोता चुनाव लड़ा, उसे हमने शहर छुड़वा दिया। इज्जत से पर्चा वापस ले लो। मैंने कहा मैं पार्टी से हूँ, कैसे पर्चा वापस ले लूंगा? आपके साथ कितने लोगों ने मारपीट करी? करीब 15-20 लोग थे। आपने क्या कानून कार्रवाई कराई? मैंने अपना और अपने भाई का, हम दो लोग थे, मैं और मेरा भाई, दोनों का हमने मेडिकल कराया और तहरीर इंस्पेक्टर साहब को दे दिया। क्या नाम है? शानुल हसन। कहाँ रहते हैं? जाट कॉलोनी सिग्रीगेट। ये आज तहसील में झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? मेरी वाइफ समाजवादी से सभासद का चुनाव लड़ रही है और दूसरी पार्टी प्रत्याशी है, दूसरे वो गुंडे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं सारे भाई। उस मौजूदा हालत में आज भी हिस्ट्री शीटर हैं, उनके कोतवाली में नंबर 8 में दर्ज है वो, और वो प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि हम जो है पर्चा वापस ले लें। इसीलिए हमारे साथ मारपीट करी गई। और कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 20-25 लोग थे। कुछ कानून कार्रवाई करी अपनी? तहरीर दीजिए थाने में जाकर। आप उन लोगों को जानते हैं? जी जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कुरेशियन नगाजा। क्या नाम आपका? मोहम्मद खान। कितने नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं आप? वार्ड नंबर 24 से। आज सभा प्रत्याशी और आपस में कुछ झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? जी पर्चे के ऊपर हुआ। पर्चे क्या हो गया था? वो मैं बीसी का आदमी हूँ, वो जनरल का आदमी है, जबरदस्ती धान लवाई से लड़ लिया मुझसे। सरकारी आदमियों ने कैंसिल करा उसका पर्चा। फिर झगड़ा किस बात पे हुआ? पर्चा उनने साड़ी बट बना लिया झोझे का। नहीं मारपीट ये हुई, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई मारपीट? के लिए मारपीट, बच्चों में मारपीट हुई, इसी बात गाली बदले को बदले कह रहा था, इसी बात पे झगड़ा हो गया। हमारे परिवार वाले ओ धानलेवाजी कर रहे आप, वो साहब सरकारी अधिकारियों ने अपने दमंगाई में साहब साहब का आदमी है।